नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टेक्निकल एडवाइज़र योगेश दहिया, नेचुरल स्टोरेज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फिर से हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। दोस्तों आज हम जो टॉपिक हमने जो सिलेक्ट किया है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके लिए जो प्रोजेक्ट वायबिलिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ख़ास करके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नए फील्ड में आ रहे हैं उनके लिए प्रोजेक्ट कैसे वायबल होगा, कैसे वो सक्सेसफुल रहेगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसकी वायबिलिटी में एक सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है सब्सिडीज या फाइनेंशियल असिस्टेंस। दोस्तों अगर हम आज कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो कोल्ड स्टोरेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी हद तक सपोर्ट्स कर रही है, जिसमें आपको सब्सिडीज मिलती है। अब दोस्तों हर एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में एक कन्फ्यूजन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है कि मुझे सब्सिडी कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उस कोशिश करेंगे कि आपको इसके ऊपर कुछ हम ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसके लिए भारतवर्ष में दो एजेंसियाँ हैं जो आपको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और दूसरा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। दोस्तों अगर आप 5 यार्ड अंदर का कोर्स लगाते हैं तो आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में एप्लीकेशन करना है सब्सिडीज के लिए। और दोस्तों अगर आप 5 यार्ड से बड़ा और 10 यार्ड तक का कर रहे हैं तो आपको NHB यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में एप्लीकेशन करनी है। दोस्तों यहाँ एक मर्यादा लिमिटेशन ये है कि जो अभी फाइनेंशियल सब्सिडीज अवेलेबल है वो अप टू मैक्सिमम 10,000 रन तक अवेलेबल है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं पहले कि अगर मैं 5 यार्ड तक का कोस्ट हाउस बनाता हूँ तो हमको NHM यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन में एप्लीकेशन करनी है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसकी प्रोसेस क्या है। दोस्तों आप वेबसाइट पे जाएंगे भारत सरकार की तो उसमें भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मैं आपको संक्षिप्त में पूरी एक प्रोसेस बताता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है। दोस्तों जब आप नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत कोई भी प्रोजेक्ट को लाते हैं तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपका जो भी स्टेट है, हर एक स्टेट की अपनी वेबसाइट है, उसमें जाके आपको पहले एप्लीकेशन फाइल करनी है। जब आप एक बार एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं उसके बाद आपको DPR बनाना है, और DPR के बेस पे DPR मतलब कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आपको बनाना है जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या प्रोजेक्ट कंसल्टेंट आपको बना के देते हैं। वो DPR बनने के बाद आपको बैंक एप्लीकेशन करनी है, लोन्स अगर आप ले रहे हैं तो आपको लोन के लिए एप्लीकेशन देनी है। दोस्तों यहाँ मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि बैंक लोन लेने से एक फ़ायदा क्या है कि पूरा आपका जो प्रोजेक्ट हो बैंक अप्राइजल हो जाता है। बैंक पूरी अप्राइजल करती है, प्रोजेक्ट का पूरा स्क्रूटिनी करती है, तो वहाँ मिशन नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए भी एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि यह प्रोजेक्ट पूरा स्क्रूटिनाइज हुआ है। तो दोस्तों जब आप बैंक एप्लीकेशन करते हैं तो बाद में जब आपका बैंक सेंक्शन आ जाता है तो उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करने हैं। उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट है वो पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद आपकी जो साइट है वो विजिट करेंगे। इन बिटवीन आप अपना जो बेसिक काम है जैसे कंपाउंड वॉल करना, लैंड फिलिंग करना, लैंड लेवलिंग करना, ये सब काम अपना चालू रख सकते हैं, और जैसे ही साइट विजिट होता है आप बाकी का फुल फ्लेज जो काम स्टार्ट कर चालू कर सकते हैं, जिसमें आपका फाउंडेशन, मशीनरीज, इंस्टॉलेशन ये सब स्टार्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका जैसे ही प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होता है आपको पास सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपने जो बैंक लोन डिस्पर्स किया है, उसके अलावा आपने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके सारे चार्टर सर्टिफिकेट्स, सारे इंजीनियर्स सर्टिफिकेट्स, उसके अलावा जो आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम कर रहे हैं तो उसकी बेसिक डेटा शीट्स है, उसके हीट लोड कैलकुलेशन से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करके वेरीफाई करना है, और जो कंसर्न ऑफिसर है वो साइट विजिट करके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट के बेस पे पूरी जो मशीनरी साइट पे इंस्टॉल हुई है उसको वेरीफाई करेंगे। दोस्तों यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा कि ये जो फॉर्मेट है वो फॉर्म है वो कहाँ से मिलेगा, तो सर उसके पूरे दोस्तों पूरे जो फॉर्म्स है वो आपको वेबसाइट पे उसके अवेलेबल्स है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको फिल कर सकते हैं। दोस्तों बेसिक डेटा शीट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीट लोड कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एक्सपीरियंस
सप्लायर से, उनसे या एक्सपीरियंस टेक्निकल पर्सन से फिल करवाना है, ताकि आपके प्लांट में या कोई सिलेक्शन मशीनरी में कोई मिस्टेक ना रहे। तो दोस्तों वो पूरा डिटेल फॉर्म है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो आप भर के उसमें पूरा आपको फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों उसमें सारी डिटेल्स आ जाती है कि आप नंबर ऑफ कंप्रेसर्स कितने लगा रहे हैं, कौन सी मोटर्स लगा रहे हैं, कौन से एयर कूलिंग यूनिट्स लगा रहे हैं, कंडेंसर्स क्या लगा रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटी क्या है, मेक क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो जो ऑफिसर्स है उसके लिए भी ये आसान हो जाता है साइट पे वेरिफिकेशन करने का। तो दोस्तों ये जब पूरा वेरिफिकेशन होगा उसके बाद जो वापस आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड होते हैं और आपको फाइनल क्लियरेंस मिलता है। इसमें आपको एक बीच में और बात बता दूं दोस्तों कि जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसके बाद आपको एक प्राइमरी आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका ये आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए ये बेस पे आपको ये अप्रूवल मिल रहा है और आप इतने ग्रांट के लिए एलिजिबल हो रहे हो। अब दोस्तों ये एक पूरा कॉमन प्रोसेस हुआ। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि मुझे कितनी सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों जो सब्सिडी के जो नॉर्म्स हैं उसमें आप नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 5000 टन तक वो लोग सब्सिडी देंगे, और उसमें एक क्लोज है दोस्तों कि जिसमें तो बेसिक कैलकुलेशन से वो 8000 रुपीज़ पर टन है। अब दोस्तों 8000 रुपीज़ पर टन है, वो बेसिक कॉस्ट मानी जाती है मशीनरी, ना कि मार्केट प्राइस मानी जाती है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। और वो MIDH की आप गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें भी बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसका आपको अगर नॉर्मल एरिया में आप हैं तो 35% सब्सिडी मिलेगी, अगर आप हिली एरिया में हैं और शेड्यूल एरियाज में हैं तो आपको ये सब्सिडी 50% तक मिलेगी दोस्तों। तो ये एक क्लोज है दोस्तों। ये जो मैंने फिगर्स आपको बताए वो आपको टाइम टू टाइम वेरीफाइड करना है, क्योंकि ये जो सब्सिडीज पैटर्न्स है, जो वैल्यूज़ है, वो चेंज होती रहती है दोस्तों। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डिसीजन लो उस टाइम पे उसको चेक करो कि अभी प्रिवेलिंग रेट क्या है, उसमें कुछ चेंज तो नहीं हुआ है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों एक और उसमें बेनिफिट है जिसको हम बोलते हैं एड ऑन कंपोनेंट्स। दोस्तों ये जो एड ऑन कंपोनेंट है वो आपको दोनों प्रोजेक्ट में मिलेगा, मतलब कि NHM में भी अप टू 5000 रन करते हो उसमें भी आप अवेल कर सकते हो, या आप 10000 रन करते हो कैपेसिटी का उसमें भी आप अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो एड ऑन कंपोनेंट है वो क्या है, जिसको हम टाइप टू बोलते हैं, जो पहले आपने किया है उसको हम टाइप वन कॉस्ट बोलते हैं। टाइप टू में दोस्तों क्या है कि अगर आप जो चैम्बर्स बना रहे हैं वो 250 टन की कैपेसिटी और 6 या 6 से ज़्यादा है तो आप टाइप टू में एलिजिबल होते हो। और दोस्तों उसके अलावा उसमें आप कंट्रोल एटमॉस्फेयर मशीनरी अगर ऐड करते हो, जैसे कि नाइट्रोजन जनरेटर से, CO2 स्क्रबर से, इथिलीन स्क्रबर से, अगर आप रिच ट्रक ले रहे हो दोस्तों, अगर आप रेकिंग सिस्टम डाल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एड ऑन कंपोनेंट्स में आती है, और उसमें भी आपको एडिशनल 10000 रुपीज़ पर टन के हिसाब से आपको एडिशनल सब्सिडी मिलती है। और उसमें भी दोस्तों आप देखेंगे तो जो नॉर्मल एरिया है वहाँ पे 35% है, और जो हिली एरिया है उसमें आपको 50% सब्सिडीज है वो मिलेगी दोस्तों। और दोस्तों एड ऑन कंपोनेंट जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें आपका कंट्रोल एटमोसफियर मशीनरी, आपकी रिच ट्रक्स हैं दोस्तों, आपके डॉक सेल्टर्स है, डॉक लेवर्स है, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स है वो उसमें एक्सेप्टेबल है, एलिजिबल है। उसके ऊपर कंपोनेंट बेस आपको सब्सिडी मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम जैसे रेंज मैंने आपको बताया 10000 रुपीज़ पर टन तक है। तो दोस्तों ये बात हुआ अपना एक एड ऑन कंपोनेंट्स का। अब हम वापस आते हैं दोस्तों कि अगर मैं 5000 टन से बड़ा कोर्सेज कर रहा हूँ और 10000 टन का कर रहा हूँ दोस्तों, तो मुझे क्या सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका कैपेसिटी 5000 टन से ऊपर है तो आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में एप्लीकेशन करनी है। दोस्तों यहाँ थोड़ा फर्क है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सब्सिडी जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा दोस्तों फर्क है। फ़र्क क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप NHB में एप्लीकेशन करते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि पहले उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन आपकी सबमिट करनी है। जब ये आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे दोस्तों, तब आपके पास आपके जो लैंड डॉक्यूमेंट्स है वो आपका PAN नंबर है, TAN नंबर है, ये सब दोस्तों डिटेल होना चाहिए।
ये जब डिटेल लेके आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपको एक एक विजिट होगी प्री, जिसको साइट विजिट कहते हैं, जो कंसर्न ऑफिसर है जो डिस्ट्रिक्ट के या स्टेट के, वो आके आपको विजिट्स करेगा एंड दे विल सबमिट द रिपोर्ट कि हाँ भाई आपका ये जो एप्लीकेशन है वो फाइल हुआ है। दोस्तों वंस यू गेट दोस्तों जब आप ये एप्लीकेशन सबमिट करोगे इनिशियली, उसके बाद आपको एक IPA मिलेगा, यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल दोस्तों बोलते हैं वो मिलेगा। उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हीट लोड कैलकुलेशंस, बेसिक डेटा शीट्स है, आपके जो लेआउट्स है वो सब आपको डिटेल वो सबमिट करनी है। तो दोस्तों जैसे ही आपका IPA अप्रूव होता है, मैंने यानी कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है, उसके बाद दोस्तों आपको एक सर्टेन टाइम लिमिट दिया जाता है, वो टाइम लिमिट में आपको बैंक से फाइनल सेंक्शन लेना है। और जब दोस्तों आपका फाइनल सेंक्शन आ जाए तो उसके बाद फाइनल सेंक्शन, बैंक का सेंक्शन लेटर प्लस जो डिटेल बैंक अप्राइजल रिपोर्ट है वो आपको वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो उसके बाद आपको वापस एक अप्राइजल स्क्रूटनी होगी इंटरनल डिपार्टमेंट की, और उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है और एक साइट विजिट हो जाती है, और उसके बाद आप अपना पूरा जो काम है कोल्ड स्टोरेज का वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप IPA एप्लीकेशन करते हो तब आपको ध्यान रखना है कि तब आप सिर्फ बेसिक वर्क कर सकते हो, जैसे कि कंपाउंड वॉल है और कुछ लेबर रूम्स है, उतना ही बेसिक काम कर सकते हो लैंड लेवल, उससे ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। साइट विजिट होने के बाद, IPA होने के बाद आपको दोस्तों बाकी का कोल्ड स्टोरेज का फाउंडेशन वर्क है, मशीनरी इंस्टॉलेशन है, वो सब आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि आपका जब ये साइट विजिट के बाद जब आप काम स्टार्ट करते हो तो इन बिटवीन पीरियोडिकली इसका जो इंस्पेक्शन है होता रहेगा, एंड देन जब फाइनल इंस्पेक्शन होगा उसके बाद आपकी जो सब्सिडी है वो आपको रिलीज होगी। दोस्तों यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो सब्सिडीज है वो दोनों स्कीम में वो आपका एक सब्सिडी रिजर्व अकाउंट फंड रहता है दोस्तों बैंकों में, उसमें सीधा डिपॉजिट किया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसकी आगे एक पूरी प्रोसेस है दोस्तों। तो अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि NHB में आपकी ये प्रोसेस है, अब NHB में जो सब्सिडी की वैल्यू है वो कैसे मानी जाती है वो मैं आपको एक बेसिक कैलकुलेशन देता हूँ कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम Type 1 कोल्ड स्टोरेज में आते हैं, मतलब कि जो चैम्बर की कैपेसिटी वो 250 रन से बड़ी है, उसको हम Type 1 स्टोरेज बोलते हैं दोस्तों। तो उसमें देखिए दोस्तों, अगर मैं 6800 से 8000 टन का कोल्ड स्टोरेज बनाता हूँ तो उसमें मुझे 10,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन, उसका 35% मुझे सब्सिडी मिलता है नॉर्मल एरिया में, और अगर मैं हिल एरिया और शेड्यूल एरिया में है तो मुझे 50% दोस्तों सब्सिडी मिलती है। अब मैं आपको NHB के जो अलग अलग स्लैब है दोस्तों वे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपका 5000 टन से लेके 6500 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है दोस्तों, तो आपको 9500 रुपया प्रति टन उसका 35% मिलेगा नॉर्मल एरिया में, या हिली एरिया में और शेड्यूल एरिया में आपको 50% मिलेगा। अगर दोस्तों आप 6501 टन से लेके 8000 टन के बीच में कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं दोस्तों, तो आपको 9000 रुपया पर मेट्रिक टन है उसका बेसिक मान के आपको 35% और 50% सब्सिडी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप 8001 से लेके 10000 टन तक का कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं दोस्तों, तो आपकी जो सब्सिडी है वो 8500 रुपीस पर टन का 35% एंड 50% माना जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको अलग अलग स्लिप बताया। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तब आप ये जो स्लैब्स है उसको आप रिकन्फर्म करिए, क्योंकि ये जो स्कीम है वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है दोस्तों। दोस्तों मैं यह बताना चाहूँगा कि NHB में भी ये सब्सिडी के अलावा अप टू 10,000 रुपीज़ पर टन आप एड ऑन कंपोनेंट के लिए सब्सिडी अवेल कर सकते हो, मतलब कि जो एड ऑन कंपोनेंट है CA मशीनरी से, डॉक सेल्टर्स है, लेवलर्स है, रीच ट्रक है, इसके लिए आपको एड ऑन 10,000 रुपीज़ पर टन सब्सिडी मिलेगी।
तो दोस्तों आज हमने आपको एक ब्रीफ गाइडलाइन में बताया कि आप अगर 10,000 टन तक कोर्स बनाते हो तो कौन से स्लैब में कैसे सब्सिडी ले सकते हो, कौन से डिपार्टमेंट से ले सकते हो। दोस्तों ये हमने आपको बताया है। दोस्तों इसके बारे में आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nsspl.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे मैं दोस्तों आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि सब्सिडी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से फाइल करने हैं। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही हेल्पफुल है, वो चाहती है कि ज़्यादा चौरस कैपेसिटी क्रिएट हो ताकि फार्मर्स का जो लॉस हो रहा है उसको हम मिनिमाइज कर सके। तो दोस्तों गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट्स कर रही है, तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंटली और सच्ची सही तरीके से आप इसको सबमिट करो। तो दोस्तों जो फॉर्म्स हैं वो आपको ठीक से अवेल करना है, प्लस दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको आप ठीक से अप्लाई करो, आप राइट टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिले और आपके जो प्रोजेक्ट है वो आपका सक्सेस रेशियो हो बढ़। मेरा रिक्वेस्ट है आप मशीनरी सिलेक्शन से लेके हर एक चीज़ में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे टेक्निकल एडवाइसेस की हेल्प लीजिए और आप अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस करिए। दोस्तों अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल सकती है www.nsspl.in। दोस्तों हमारी चैनल अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों हम आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आंसर्स करेंगे। दोस्तों मैं आने वाले दिनों में और एक नया इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। नमस्कार, थैंक यू।